हम इंसान बोरिंग चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देते हैं जिन चीज़ों पे हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इमोशन या कल्चर जुड़ा हो। डेवलपमेंट मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च कंसल्टेंट जॉन मेडिना कहते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स का जड़ हमारे दिमाग के सोचने का तरीका है, और ये तभी ठीक हो सकता है जब हम दिमाग के सभी रूल्स को जान लें। इसलिए उन्होंने हमारे लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स लिखी, जिसमें उन्होंने एक साइंटिफिक रूल बताया है जिसे हम सीखने, पढ़ने और काम करने के तरीकों को 10 गुना बढ़ा सकते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो, जॉब वर्किंग हो, स्टूडेंट या इवेंट टीचर। ये 12 तरीके आपके ब्रेन को और स्मार्ट बनाएंगे। एक्सएचएम डिजिटल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं वो 12 साइंटिफिक रूल्स क्या हैं। फर्स्ट रूल, हम इंसानों के दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो समय के साथ ग्रो हुआ है। हम इंसानों के विकसित होने के साथ ही से सर्वाइवल के तरीके से सोचने का तरीका और सर्वाइवल की टेक्निक भी पहले से और अलग हुई है। चाहे हम इस दुनिया में सबसे ताकतवर ना हो, लेकिन हमें वक्त के साथ सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट किया है। सेकेंड रूल, एक्सरसाइज करना हमारे ब्रेन की पावर को बढ़ाता है। रिसर्चर्स ने 2 तरीके की पॉपुलेशन पे स्टडीज की। ग्रुप ए, जिसमें लोग जो रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, और ग्रुप बी, वो लोग थे जो कोई भी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते थे। रिसर्चर्स ने पाया कि ग्रुप ए का स्कोर ज़्यादा था ग्रुप बी के मुकाबले। थर्ड रूल, अच्छी नींद हमारी सोच को सही और प्रोडक्टिविटी बनाती है। प्रॉपर नींद ना मिलने के कारण ब्रेन हैमरेज, फोकस करने के पावर, मूड, इवन लॉजिकल थिंकिंग को भी डैमेज करता जाता है। फोर्थ रूल, हमेशा चिंता करना हमारे लर्निंग एबिलिटी और दिमाग दोनों को डैमेज करता है। हमारा ब्रेन सिर्फ 30 सेकेंड तक चलने वाला स्ट्रेस से निपटने के लिए भी बना है। फिफ्थ रूल, काफ़ी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि हर इंसान का ब्रेन, उनका वायरिंग अलग होता है। हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं, पर हमारा ब्रेन किसी और ब्रेन की तरह बिल्कुल नहीं हो सकता। सिक्स्थ रूल, हम इंसान बोरिंग चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देते हैं जिन चीज़ों पे हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इमोशन या कल्चर जुड़ा हो। सेवंथ रूल, हमें कुछ भी सीखने के लिए, याद करने के लिए इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना चाहिए। एट्थ रूल, हमारे सभी सेंसर्स एक साथ काम करते हैं, इसलिए सभी का एक साथ यूज करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। नाइन्थ रूल, हमारे देखने की सेंस सभी सेंस से ज़्यादा होती है। टेंथ रूल, म्यूजिक सुनना या कंपोज करना हमें स्मार्ट बना सकता है। 11th रूल, मेल और फीमेल का दिमाग एक दूसरे से डिफरेंट होता है। 12th रूल, हम इंसान के एक पावरफुल और नेचुरल एक्सप्लोजर्स हैं। हम बचपन में कितने क्यूरियस होते हैं, लेकिन यही चीज उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाती है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसे शेयर करें और एक्सएचएम डिजिटल को सब्सक्राइब करें। हम फिर जल्द लेकर आएंगे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो।